नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक बॉम्ब के इसमें। अगर आप भी यूज़ करते हैं IQ Z9S Pro 5G का फ़ोन, और जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिलता है, बल्कि आपको पहले की तरीके से गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए आपको बताएंगे क्या सेटिंग आप करेंगे जिससे आपके फ़ोन में स्विच ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप फ़ोन के सेटिंग में आ जाइए। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप आ जाते हो, सबसे ऊपर सर्च का आइकान है, राइट साइड ऊपर सर्च के आइकान पे क्लिक करिए, सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पे लिखना होल्ड, HOLD, होल्ड लिखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऊपर, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, इस पर आप जो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर जब क्लिक करते हैं लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे क्लिक रहता है, तो गूगल असिस्टेंट आपका ओपन होता है, और यहाँ पे अनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेनू पर क्लिक कर देते हो तो आपके फ़ोन में पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको स्विच ऑफ और रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा।